है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू है खुदा। नमस्कार, सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है पाप ग्रहों से मिलेगी अपार राजनीतिक सफलता। व्यक्ति के जीवन में सफलता व कर्म प्रभावशीलता उसके जन्मकालीन आकाशीय ग्रहों की स्थिति, गति और नक्षत्रों की चाल से तय होती है। इनकी स्थिति के अनुरूप व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। इनके विपरीत स्थिति में होने पर व्यक्ति चाह कर भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। विश्व में अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाले उद्योगपति, कलाकार, धर्मगुरु, संगीतकार, वैज्ञानिक, लेखक, ज्योतिषी, राजनीतिज्ञों आदि की द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में संपादित 351 कुंडलियों के अध्ययन करने पर यह तथ्य आपको हैरान कर देगा। ऐसी कौन सी पूजा करी, कितनी नमाज पढ़ी, क्या अरदास करी थी इन सभी सफल व्यक्तियों ने। मैं पूजा करूं या नमाज पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, ना तो मंदिर मिले ना तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जी हाँ, ढूंढने से भगवान यानी कि देव ऊर्जा की प्राप्ति अवश्य होती है। सूर्य देव प्रत्येक प्राणी के जीवन का आधार है। हमारी जन्मकालीन कुंडली में सूर्य महत्वपूर्ण स्थान कैसे रखता है? सूर्य सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रहों का राजा है, जो राजसी सुख दिलाता है और उच्च पद पर पहुंचाता है। चौंक जाएंगे आप यह जानकर कि इन 351 कुंडलियों में से ज्यादातर 187 कुंडलियों में सूर्य देव स्त्री राशि में उपस्थित थे। चंद्रदेव जो हमारे मन का स्वामी है, कैसे जुड़ा है राजनीतिक एवं सामाजिक प्रगति से, आइए देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रदेव अपनी प्रतिष्ठा में कमी नहीं करना चाहते। इसी शोध विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि सबसे अधिक 38 लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा सिंह राशि में था। कर्क लगन, जी हाँ, कैंसर कैसे दिलाता है राजनीतिक सफलता, क्या रहस्य है इसके पीछे? भारतीय राजनीति में सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले 82 राजनेताओं की कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि कर्क लगन में जन्म लेने वाले लोग राजनीति में सफलता प्राप्त कर सत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं। इस लगन में जन्म लेने वाले लोगों में सम्राट अशोक, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, के आर नारायण, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, कमलापति त्रिपाठी, सोनिया गांधी, नजमा हेपतुल्ला, मेनका गांधी, वसुंधरा राजे, मायावती एवं श्री मुलायम सिंह जी, शीला दीक्षित तथा एम करुणानिधि मुख्य हैं। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू। तो क्या इस लगन को महत्वपूर्ण माना है सभी ने? वृश्चिक लगन क्यों कराता है संघर्ष? कर्क लगन वालों में शासन चलाने की प्रतिभा होती है तथा उन्हें इसका अवसर भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार धनु लगन में जन्म लेने वाले प्रखर बुद्धि के धनी होते हैं और उसी के बल पर शिखर शिरोमणि बनते हैं। इस लगन के धारक जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम। शोध में एक बात चौंकाते हुए उभर कर सामने आई
कि वृश्चिक लगन वाले लोग काफी संघर्ष के बाद बड़े पद पर पहुंचते हैं और उसे बरकरार रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। बावजूद इसके इनको अपने परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। पाप ग्रह राहु की भूमिका कैसे जोड़ देती है एक विचार को अनेकों विचार से। राजनीति में राहु का महत्वपूर्ण स्थान है। राहु को सभी ग्रहों में नीति कारक ग्रह का दर्जा दिया गया है। इसका प्रभाव राजनीति के घर से होना चाहिए। राहु के शुभ प्रभाव से ही नीतियों के निर्माण व उन्हें लागू करने की क्षमता व्यक्ति विशेष में आती है। राजनीति के घर यानी कि दशम भाव से राहु का संबंध बने तो राजनेता में स्थिति के अनुसार अपनी बात को कहने की योग्यता आती है। जैसा कि हम सबके प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एवं मोहनदास करमचंद गांधी जी की कुंडली में भी दशम भाव में राहु था। तीसरे छठे भाव में स्थित उच्च का या मूल त्रिकोण का राहु भी बड़े राजनीतिक योग में सहायक है। सफल राजनेताओं की कुंडली में इसी पाप ग्रह राहु का संबंध छठे सातवें दसवें ग्यारहवें भाव से देखा गया है। छठे भाव को सेवा का भाव कहते हैं, इसलिए इसे विशेष रूप से देखा जाता है। आपकी कुंडली में राहु की ऐसी ही विशेष स्थिति होने पर जन्म विवरण नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कर सकते हैं। पाप ग्रह मंगल कैसे करेगा मंगल जीवन की राजनीति में। शोध में यह तथ्य भी सामने आया कि किसी की कुंडली में यदि सिंह राशि का मंगल है तो उस व्यक्ति को अनायास तथा आंशिक प्रयास में ही सफलता हासिल हो जाती है। जैसे इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, देवगौड़ा, ज्योति वछु, प्रमोद महाजन, रामविलास पासवान, जयललिता आदि की कुंडलियां इसका उत्तम उदाहरण है। राजनीति में सफलता देने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्व सिंह के मंगल का रहता है, जो कि इस शोध में 14 लोगों के था। इसी प्रकार 13 लोगों में वृश्चिक राशि का शनि स्थित देखा गया। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं, हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाह तो फिर विशेष क्यों होती है पाप ग्रहों की महिमा। महानतम व्यक्तियों की कुंडली में पाप व शुभ ग्रहों का संबंध, शनि चंद्र का संबंध, शनि सूर्य का संबंध, राहु चंद्र, राहु सूर्य या शुभ ग्रह एवं पाप ग्रहों का संयोग देखने में मिला है। इन पर दृष्टि संबंध ने ही इनको उच्च स्थान पर पहुंचाया। इस युग में हमें इस बात को भूलना पड़ेगा कि शुभ ग्रह के संयोग से ही व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंचेगा। यह युग कलह काल युग है, समस्या प्रधान युग है। अतः व्यक्ति के जीवन में आत्मा पर, मन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं होगा तो वह आज की अलग जीवन शैली को कैसे पहचान सकेगा। अगर हम ब्रह्मांड के महानतम पुरुष श्री राम एवं श्री कृष्ण की कुंडली का अध्ययन करेंगे तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों की कुंडलियों में शनि सूर्य का संबंध सम सप्तम दृष्टि से है, तभी वह ईश्वर के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर सके। पाप ग्रह महादशा में जन्म लेते ही कैसे बदल गई जीवन में राजनीति। 351 कुंडलियों में 48 व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की दशा, 43 कुंडली में राहु की दशा, 42 कुंडलियों में केतु की महादशा, 34 कुंडलियों में शनि की दशा में जातक का जन्म होता देखा गया। सटीक ज्योतिष अनुसंधान शोध में यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान यानी राहु प्रधान युग काल में पाप ग्रहों की दशा व्यक्ति विशेष की राजनैतिक सामाजिक प्रगति में शुभ होकर अत्यधिक सकारात्मक फल देने वाली व शुभ ग्रहों की दशा खराब फल देने वाली होती है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है कहाँ रे तू।